हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 मार्च 2019 की प्रीलिम्स सबमिटर सीरीज में आपको स्वागत है। डिस्कशन करने से पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आपका जीवन है वो मंगलमय हो, तो आप होली अच्छे से एंजॉय है वो करना। अब चलते हैं आज की हमारी सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो है कुसुम स्कीम को लेकर, यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इस स्कीम का जो एम है वो किसान की इनकम बूस्ट करने के लिए उनको एडिशनल सोलर प्लांट दिए जाएंगे ताकि वो अपनी इनकम बढ़ा सकें। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कुसुम स्कीम से किसानों की इनकम है वो बढ़ने में बेनिफिट मिलेगा। बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो सोलर पावर है वो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, न कि पावर मिनिस्ट्री। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला इसका सही। तो आंसर हो जाएगा ओनली ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है चित्तोसेन जेल के बारे में, कि चित्तोसेन जेल न्यूज़ में रहती है किसका, मतलब इसका यूज कहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ऑयल स्पिलिंग को रिमूव करने के लिए, ऑयल फैलाव जो होता है समुद्र वगैरह में वो। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि ह्यूमन को जो भी हाथ पे जो कि हानिकारक पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे कि किसान खेतों में उर्वरक हैं वो फैलाते हैं, तो उनसे बचने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी वॉर वगैरह के तहत जो सीरियस इंजरी होती है तो जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोकने के लिए, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है। मतलब वॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब भी वॉर वगैरह के तहत कोई भी सोल्जर को काफ़ी ब्लड, मतलब चोट वोट लगी और ब्लड तेज़ी से निकलता है तो उसको रोकना। अब हमें पूछा कि कहाँ इसका यूज होता है। तो देखो, जो ये चित्तोसेन जेल है ना, इसका यूज़ तीनों जगह होता है, और अभी ये न्यूज़ में भी था तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्र में ऑयल स्पिलिंग में भी इसका यूज़ होता है रोकने के लिए। इसके साथ ही जो हार्मफुल पेस्टिसाइड किसान यूज़ करते हैं खेतों में, उनका असर किसानों पे खुद पे ना हो छिड़काव करते टाइम, उस टाइम भी जेल का यूज़ होता है, किसान यूज़ करते हैं। और तीसरा ऑप्शन भी सही है कि जब वॉर वगैरह में सीरियस इंजरी होती है तो जो ब्लड का फ्लो तेज़ी से होता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, उसे रोकने में भी इसका हेल्प यूज़ है वो होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि संविधान में बैकवर्ड क्लास के बारे में कोई डिफाइन नहीं किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी कि NCBC है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं। बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है पिछड़ा वर्ग को। और इसी के साथ ही हम बात करें, जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा बी। सो इसी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जात्रा के बारे में, कि जात्रा एक फोक थिएटर है, कहाँ से बिलोंग करता है। देखो, जात्रा जो फोक थिएटर है ये है बेसिकली वेस्ट बंगाल के नियर बाई स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल और इसके पड़ोसी स्टेट, जैसे कि आपको एग्जाम में वेस्ट बंगाल की जगह उड़ीसा भी मिल सकता है, झारखंड भी मिल सकता है, तो इस तरीके से, और बिहार भी मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि उड़ीसा और उड़ीसा के पास वाले स्टेट्स में मेनली जाता जो फोक थिएटर है वो, मतलब वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, बट मेनली ये वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर बॉर्डर विद ग्यूनिया। ग्यूनिया एक कंट्री है, उसके बॉर्डर कौन शेयर करता है ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ग्यूनिया है कहाँ पे, मैप में इसकी लोकेशन देखो कि है कौन से कॉन्टिनेंट में, और फिर आपको बताना है कि इसकी पड़ोसी कंट्री कौन कौन सी हैं। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। बाकी जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। देखो, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है क्या, जो एटमॉस्फेयर में आपको बताया कि ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है वेपर की फॉर्म में, उससे हम पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए एक जनरेटर बनाया गया है भारत की जो नवरत्न कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, उसके द्वारा यह इस जो एक तरीके से उपकरण है या जनरेटर है वो तैयार किया गया है। ये क्या करेगा, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा जो एक नया उत्पाद बनाया गया है या नया उपकरण बनाया गया है, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी है इसको एब्जॉर्ब करके पानी में कन्वर्ट कर देगा। ये एक नया सिस्टम है, तो इससे जो भी सूखे वाले एरिया हैं वहाँ पे पानी में काफ़ी राहत मिल जाएगी, तो उनको पीने का साफ पानी है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखें कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा ये प्रोडक्ट है वो बनाया गया। UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। तो जो पानी की डिमांड बढ़ती है, जो पानी की किल्लत है, उसको रोकने में काफ़ी हेल्पफुल है वो साबित हो जाएगा। अब देखो, जो वैसे तो जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड
और इसी के साथ ही CSR, ICICT और इसी के साथ ही हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी है उसके सहयोग से किया गया है। बट आपको ये पता होना चाहिए एक तो भाई मेड इन इंडिया के तहत ये बनाया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टार्टअप के तहत बनाया गया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो आज के टाइम पर पानी की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, साफ पानी पीने का अवेलेबल हो सके इसके लिए हम इसका यूज है वो कहीं कर सकते हैं आर्टिकल वहीं भी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल। वैसे तो देखो ये आर्टिकल कल आया था बट कल हम इसको डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी आप सबसे पहले हम तो जो कंटेक्स्ट है वो देखते हैं, फिर हम लोकपाल के बारे में ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस आज करेंगे। कंटेक्स्ट ये आया है कि जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है यहाँ पे पिनक्की चंद्रा घोष, उनका नाम अभी क्लियर कर दिया गया है सिलेक्शन कमेटी के द्वारा कि भी आपको लोकपाल अपॉइंट किया जा सके। ये आपको ध्यान में रखना है कि सिलेक्शन कमेटी ने उनका नाम अप्रूवल डन कर दिया, मतलब अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन होते हैं? उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया कि यहीं पे ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भाई लोकपाल को अपॉइंट कौन करेगा। देखो सिस्टम क्या है कि आपको पता है 2013 में एक अन्ना हजारे की मतलब अध्यक्षता में, अन्ना हजारे की लीडरशिप में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी करप्शन के अगेंस्ट, और जिसमें लोकपाल एक्ट है बाद में बनाया गया था, मतलब लोकपाल एक्ट 2013 में आया था। तो इसमें क्या किया गया था, स्टेट के अंदर तो लोकायत का प्रावधान किया गया था और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल की बात है वो की गई थी, मतलब इंडिया की सबसे सीनियर सुप्रीम बॉडी होगी जो कि करप्शन रिलेटेड मामलों में डील है वो करेगी। तो इसके लिए प्रावधान किया कि वही 5 मेंबर की कमेटी होगी, जिस कमेटी का नाम क्या होगा यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी, कि वो सिलेक्शन कमेटी पहले सिलेक्ट करेगी भाई इस आदमी को आप लोकपाल है वो अपॉइंट करिए, और उसके अध्यक्ष कौन होंगे उस सिलेक्शन कमेटी के, वो होंगे प्रधानमंत्री। वो 5 कौन कौन होंगे पर्सन, एक तो होंगे भारत प्रधानमंत्री खुद, दूसरे लोकसभा का स्पीकर, तीसरे लोकसभा के जो अपोजिशन के लीडर हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन सॉरी, और चौथे यहाँ पे हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 5वें कोई भी एमिनेंट या जो प्रतिष्ठित न्याय का व्यक्ति है जिसको मतलब आप बोल सकते हो कि न्यायवेत्ता हो गया, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा कि भाई आप इस पर्सन को लेके ही आप कमेटी को पूरा कीजिए। तो ये 5 पर्सन है ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करेंगे किसी एक का नाम जो कोई बाहर का हो, मतलब बाहर का है जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह हो सकता है रिटायर्ड, उसको एक तरीके से नाम पे तौर पे देखेंगे, और उसके बाद उसको लोकपाल अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट की हेल्प से। तो ये है बेसिक तो मोटा मोटा फंडा। अब जो लोकपाल एक्ट 2013 है इसमें क्या प्रावधान है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल लेवल पे तो लोकपाल बनाया जाएगा और स्टेट लेवल पे वो लोकायुक्त है उसका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि लोकपाल है इसमें एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम इसके 8 सदस्य होंगे, मतलब इस बॉडी के में क्या होगा, एक तो चेयरपर्सन और 8 इसके सदस्य होंगे। अब ये ध्यान रखना कि लोकपाल की ज्यूरिडिक्शन, हमने कल क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस किया था, लोकपाल हमारे देश की जो भी पब्लिक सर्वेंट हो गए, इसके अलावा प्रधानमंत्री की पोस्ट हो या फिर और भी मंत्री हो, MP MLA सब इनकी कैटेगरी मतलब इसकी ज्यूरिडिक्शन है, सब इनकी निगरानी में आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, जो पर्सन या जो आर्म फोर्स्ड हैं वो एक्चुअली लोकपाल बिल के अंडरगत मतलब लोकपाल के अंडर हैं वो नहीं आएंगी, ये एक फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही वो पब्लिक सर्वेंट जो कि विसल ब्लोअर के तौर पे काम करेगा उसको भी प्रोटेक्ट यहाँ पे किया जाएगा, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। और स्टेट के लिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर भाई आप लोकायुक्त एक्ट बना रहे हो तो लोकायुक्त एक्ट बनने के 1 साल बाद मतलब विद इन 1 साल आपको लोकायुक्त को अपॉइंट है वो करना होगा, आपको लोकायुक्त का काम है वो कंप्लीट करना होगा। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पे हैं। अब हम बात करते हैं पावर की। देखो लोकपाल या लोकायुक्त को पावर काफ़ी दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री हैं, MP MLA मंत्री हैं, उन सबको इनकी ज्यूरिडिक्शन में रखा गया है, इसका मतलब काफ़ी पावर है इनको दी गई है। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश की जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह है वो सब इनकी डायरेक्शन में काम करेंगी, मतलब इनको डायरेक्शन दे सकती हैं, जैसे कि लोकपाल है वो CBI हुआ, CVC हुआ, इन सबको डायरेक्शन वगैरह दे सकती हैं। इसके साथ ही कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसका सम्मन किया जा सकता है, उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ जो CBI है, कई बार क्या कहते हैं CBI की एक बेंच दूसरी बेंच को केस ट्रांसफर करती रहती है बिना किसी मतलब परमिशन के। अब क्या हो जाएगा कि जैसे लोकपाल ने कोई भी केस एक CBI की कमेटी को दे दिया, एक या एक पैनल को दे दिया, तो अगर वो पैनल उस केस को ट्रांसफर करना चाहता है किसी दूसरे पैनल को, तो जब तक उसके लिए लोकपाल परमिशन नहीं देगा तब तक वो केस ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। इसी के साथ ही स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया गया ताकि केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके, और इसी के साथ ही ये प्रावधान किया गया कि भाई केस को 6 महीनों के अंदर निपटाना है, अगर कुछ ऐसे रीजन होते हैं कि 6 महीनों में केस नहीं निपट रहा है तो 6 महीने को और एक्सटेंशन दिया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर तो आपका अटॉर्नी कॉस्ट केस है वो निपटाना ही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पैरोट फीस को लेके। देखो ये है पैरोट फीस, आप यहाँ पे देख सकते हो
कंटेक्स्ट तो कुछ खास नहीं है, वैसे कंटेक्स्ट ये है कि जो फिशिंग एंड जो कोरल रीफ है ना डिग्रेडेशन, वो इसके लिए मतलब जो पैरोट फिश के लिए काफ़ी बड़ा एक थ्रेट है वो बनता हुआ जा रहा है, कुछ ऐसे से कंटेक्स्ट है। आपको सीधी सी लैंग्वेज में बताऊं कि जो पैरोट फिश है ये मेनली अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है। ज़्यादा न्यूज़ या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस मछली के बारे में है नहीं अभी तक, बट ये है कि ये जो पैरोट फिश है ना, ये एक तो जो कोरल रीफ सिस्टम है, या आप बोल सकते हो कोरल रीफ जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका एक अहम पार्ट है। मतलब ये कोरल रीफ के साथ ही सहजीवी संबंध बना के रहती है और वहाँ पे इसकी लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी आपको बताया कि कोरल रीफ है वो लगातार डिग्रेड होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका जो नेचुरल आवास है या फिर इनकी भी संख्या है उसमें कमी है वो आ सकती है। तो ये बेसिकली इसका मोटा मोटा कंटेक्स्ट था। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरोट फिश है वो कहाँ पाई जाती है। बस इसका पूरा नाम है वो तो है बूमफ्रेड पैरोट फिश। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना कि पैरोट फिश है क्या, कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ जो इकोसिस्टम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट यह अभी देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे इंडेंजर्ड फैली हुई है। बट ध्यान रखना कि IUCN की लिस्ट में है वल्नरेबल अभी भी। ये इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि IUCN में वल्नरेबल लिस्ट में है, बट ग्लोबल लेवल पे यह हाई इंडेंजर्ड लिस्ट में देखी जा रही है एक तरीके से। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक संघाई पैक्ट हुआ था, इसके बाद में इसको 2001 में बनाया गया था। पहला फैक्ट तो ये हो गया, संघाई कहाँ पे, चाइना में ऑब्वियसली। अब ये ध्यान रखना कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक यूरोशियन मतलब यूरोप और एशिया का पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। देखो यहाँ पे एक एक वर्ड पे क्वेश्चन बन सकता है, पहला तो वर्ड क्वेश्चन यहीं पे हो गया कि यूरोशियन ग्रुप है ये, हाँ ध्यान रखना भाई यूरोशियन। UPSC पूछ सकते हैं कि यूरोप का ग्रुप है, एशियन ग्रुप है या ओनली एशियन कंट्री, क्योंकि देखो इसका एक मेंबर है, कौन है इसका एक मेंबर है, रसिया। और आपको पता है रसिया अकेला एशिया में नहीं आता, यूरोप में भी आता है, इसलिए यह एक यूरोशियन ग्रुप है। ये आपको मेनली ध्यान में रखना है। तीन रीजन को लेकर मेनली डील होती है इसमें, एक तो पोलिटिकल, इकोनॉमिक और तीसरा मिलिट्री। 2001 में बनाया गया था, उस टाइम पे बेसिकली इसमें कितनी कंट्री थी, उस टाइम पे इसमें से टोटल 6 कंट्री थी। सबसे पहले थी चाइना, सो स्टार्टिंग में 5 ही थी, उसके बाद में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान, ये थी स्टार्टिंग में 5 कंट्री। इसके बाद में क्या हुआ था, उज्बेकिस्तान को भी इसमें शामिल है वो कर लिया गया था। तो ये आपको उस फैक्ट ध्यान में रखने हैं। और हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, देखो इंडिया और पाकिस्तान है वो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फुल मेंबर है। अब ध्यान रखना 2017 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में, जो कि सेंट्रल एशिया की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, और वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल मेंबर है वो बना दिया गया था। तो UPSC यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछ सकती है, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है। अब बात है कि भाई हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं अभी न्यूज़ में कहता, पहली बात तो ये भी इफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। एक सेकेंड, देखो जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके द्वारा एक यहाँ पे एक बॉडी बनाई गई थी, सॉरी इसके अंदर ही एक बॉडी है। जिस तरीके से देखो UN है, यूनाइटेड नेशन है, उसके अंदर भी तो काफ़ी सारी बॉडी बनी हुई है ना, वही सिस्टम सेम यहाँ पे था कि इसके अंदर भी एक बॉडी बनी है जिसका नाम है रेट्स। ये आपको ध्यान में रखना है, रेट्स एक बॉडी है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और रेट्स को बनाया गया था 2004 में, और रेट्स का काम क्या है, इसका काम है कि यह एक UN का संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट ऑर्गन है, जो कि कोऑपरेशन मतलब सहयोग को प्रमोट करता है आपसी कंट्रीज में। जैसे कि इसके जो मेंबर कंट्रीज हो गई हैं, इन कंट्रीज के बीच में सहयोग है, इसको प्रमोट किया जा सके, इसको लेके रेट्स मेनली डील है वो करता है। और मेनली तीन एरिया पे इसका फोकस रहता है, एक तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, इसके साथ ही एक सेपरेटिज्म को काउंटर करने के लिए, मतलब जो अलगाववाद मेथड होगा, नीति होगी उसको, और इसके साथ जो एक्सट्रीमिज्म होती है पॉलिसी, इसको काउंटर करने के लिए डील है मेनली वो करता है। इसका हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में है। कंटेक्स्ट बेसिकली आया था कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर स्टेट है उन्होंने अभी एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज जिसका नाम था यहाँ पे साइरे आर्का एंटी टेरर 2019, ये अभी आयोजित है वो की है। तो आपको पता है कि टेररिज्म को लेके रेट से वो मैंने डील करती है, तो जो कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ऑर्गन है। तो ये था कंटेक्स्ट, इसीलिए हमने SCO को डिस्कस किया और रेट्स को डिस्कस है वो किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि SCO का ही एक ऑर्गन है रेट्स, और उसने अभी एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज आयोजित है वो की है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। वैसे इसका डिसीजन है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब लिया गया, तो वो इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना सायरे आकरा जो एंटी टेरर एक्सरसाइज है वो कहाँ किसकी है और कब ये न्यूज़ में थी। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।